हम चारों दिशाओं पर समान रूप से आपको जो भी हमें ज्ञान है, जो भी हमने शास्त्रों में अध्ययन किया है, उसके आधार पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर गई है कि सबके हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉइड फोन है, और उसमें गूगल है। गूगल सारा ज्ञान आजकल दे देता है। जैसे कंपास ओपन हो गया, 0 डिग्री पर नॉर्थ हो गया, 90 डिग्री पर पूरब हो गया। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो 135 डिग्री पर दक्षिण दिशा हो गई, 270 डिग्री पर फिर मतलब कि पश्चिम दिशा हो गई, तो 0 डिग्री पर उत्तर दिशा हो गई। तो डायरेक्शन कंपास की सुई अगर आपके मुख्य द्वार की दिशा की तरफ संकेत कर रही है और पश्चिम दिशा की सुई 281 डिग्री से 292.5 डिग्री पर है, तो इसे वास्तु सिद्धांत के अनुसार पश्चिम दिशा का पद क्रमांक 6 का मुख्य द्वार माना जाएगा। 6 को नकारात्मा नाम से जाना जाता है। इस दिशा में डिग्री का मुख्य द्वार घर में रहने वालों को नकारात्मक प्रभाव देता है, डिप्रेशन का पेशेंट बनाता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इस दिशा का और इस पद का मुख्य द्वार हानिकारक होता है। इस घर में रहने वाले लोगों को राजकीय भय और सरकारी भय हमेशा बना रहता है। तो इसलिए कोशिश करें कि इस डायरेक्शन में मुख्य द्वार ना हो। जय मां विंध्यवासिनी। स्वागत है आपका कालचक्र में। वो कहते हैं ना कि घर में बरकत, पैसा, प्यार, पावर, सक्सेस और खुशियां घर के मेन गेट से ही होकर आती है। तो घर का मेन गेट जितना साफ, जितना सुंदर और वास्तु के लिहाज से जितना परफेक्ट होगा, आप उतनी ही तेजी से तरक्की कर पाएंगे। तो ऐसे में आज पंडित जी आपको पश्चिम मुखी मकान के वास्तु रहस्य के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका मकान पश्चिम मुखी है। देखो विलासा, ऐसा है जैसे किसी व्यक्ति का मुखाकृति देख करके, भाव भंगिमा देख करके उसके वर्तमान और भविष्य का आकलन किया जाता है। उसी तरह से किसी घर के प्रवेश द्वार को देख करके उस घर में रहने वालों के भाग्य और भविष्य का अनुमान पता चल जाता है जी। अब ये बात अलग है कि आप कितने जिज्ञासु हैं, आप कितने, आपके अंदर कितनी जानने की इच्छा है। अगर आपको जानने की इच्छा नहीं है तो आपके समझ में वही बात नहीं आएगी, अगर जानने की इच्छा है तो समझ में आएगी जी। तो अब हम बात करेंगे पश्चिम दिशा के द्वार क्रमांक 7 की। डायरेक्शन कंपास की सुई अगर मुख्य द्वार पश्चिम की तरफ इशारा कर रही है और कंपास की सुई 292.5 से 304 डिग्री पर है, तो इसे वास्तु सिद्धांत के अनुसार पश्चिम दिशा का मुख्य द्वार क्रमांक 7 कहा जाएगा। इसका नाम है सौका। इस दिशा में डिग्री का मुख्य द्वार घर में रहने वालों को आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, परिवार में तनाव होता है, घर में रहने वाले लोग निराशा से घिरे रहते हैं और कभी कभी निराशा इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ रहने वाले लोग गलत संगत में, गलत एडिक्शन में, गलत आदत में और नशे के आदि भी हो जाते हैं। ऐसे घर दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हैं। अतः अगर घर बनाना है तो सोच समझ करके बनाना। आप जय मां विंध्यवासिनी। देखिए, डायरेक्शन कंपास की सुई अगर आपके मुख्य द्वार की दिशा को पश्चिम दिखा रहा है और पश्चिम दिशा में सुई 304 से 315 के बीच में अगर है, तो इसे वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दिशा का 8वां पद मुख्य द्वार के रूप में कहा जाएगा। पश्चिम दिशा में इस पद को पाप्य क्षमा नाम से जाना जाता है। इस दिशा में अगर इस डिग्री के बीच में अगर आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार है तो रहने वाले रोगी होते हैं। ऐसा मुख्य द्वार वहां रहने वालों को स्वार्थी बनाता है। लोग अपने स्वार्थ के लिए गलत रास्ता चुनते हैं। ऐसा मुख्य द्वार घर के पुरुषों को परिवार से दूर रखता है, फिर चाहे वो उनके काम के कारण ही क्यों ना हो। ऐसा घर विदेश यात्रा के अवसर भी देता है। सिर्फ एक चीज अच्छी है, पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म में विदेश यात्रा को अच्छी चीज नहीं माना जाता था।
ऊसर मरण विदेश गमन ताही पर कछु और, बड़ा बुरा माना जाता था विदेश जाना। लेकिन आज विदेश जाना बहुत बड़ी बात मानी जा रही है, बहुत अच्छी बात मानी जा रही है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में यहाँ तक लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जब विदेश की यात्रा करता है, समुद्र पार की यात्रा करता है, तो मलेच्छ हो जाता है। लेकिन आज विदेश जाने की होड़ मची हुई है। हमारे भारत में एकाक राज्य तो ऐसे हैं कि अगर वहाँ कह दिया जाए कि 24 घंटे के अंदर आपको वीजा मिल रहा है और आप आ जाइए, तो सब लोग अपने घर का दरवाज़ा खुला छोड़ करके विदेश में पहुँच करके वहाँ बस जाएंगे। इतना क्रेज है कुछ राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं। तो देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि दरवाज़ा जो है वो अगर आप निर्धारित करते समय किसी ज्योतिष शास्त्र के, वास्तुशास्त्र के विशेषज्ञ से यदि परामर्श ले लें, बन गया तो बन गया, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। लेकिन अगर बनना है तब थोड़ी सी राय लेने में बुराई क्या है? जो व्यक्ति जिस विषय का एक्सपर्ट है, जिस विषय का मास्टर है, उससे अगर आप राय लेते हैं, राय लेने के बदले में अगर कुछ आपको देना भी पड़ता है, तो क्या बुरी बात है? पूरे जिंदगी भर के लिए कुछ अच्छा तो करने जा रहे हैं आप। तो ये आठवां पद बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और दूसरी भाषा में आप भी जानते हैं कि ये रुदन कोण कहलाता है, ये केवल जगह है रोने की। कोई बुरी खबर आ जाए तो बैठ के यहीं रो लो, शोक मना लो, कोप मना लो, ये कोई अच्छी जगह तो है नहीं। तो आठवें पद में दरवाजा तो होना ही नहीं चाहिए, और अगर है तो इसके लिए वायव्य कोण के ऊपर सफ़ेद रंग की पाइप में सफ़ेद रंग का झंडा, उसमें नीले रंग से ओम लिख करके और उसे लहराना चाहिए। ये जब जब हवा चलेगा और वो झंडा लहरेगा, तब तब इसका दोष दूर होगा। जय माँ विंध्यवासिनी।